अस्सलाम वालेकुम, सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों, आज गोल्डन ब्रांड बेहतरीन सुपर शम्स गोल्डन ब्रांड का फार्मूला स्टडी करेंगे। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टडी करें बेस को, हाइड्रोफिलिक को, ओएच माइनस को, जो पानी में रह के सफाई सुथराई करते हैं, पानी का आशिक है, साफ सुथराई का आशिक है, ये पानी का लवर है। ठीक है, सबसे पहले सोडा एश। दोस्तों, 45 किलो डालते हैं हम 100 केजी की लाट में, सर्फेक्टेंट है, क्लीनिंग एजेंट है। दोस्तों, इसकी दोस्ती भी है, इसकी दुश्मनी भी है सल्फिनिक एसिड के साथ। ये अपने मालिक्यूल उसको देता भी है, उसको लेता भी, वो इलेक्ट्रॉन देता भी है उसको और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। वो जंग भी करता है 24 घंटा, लाखों करोड़े छोटे छोटे मालिक्यूल हवा में घूम रहे हैं, दिखाई नहीं देते, मगर वो रिएक्ट करते रहते हैं। तो ये जहान, ये कायनात चलती रहती है, रिएक्शन कुदरत की तरफ से इनाम है। हम केमिकल के शेप में रिएक्ट कराते हैं कपड़े साफ करने के लिए। दोस्तों, बेहतरीन सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट मीन्स कपड़े पानी में जाके रिएक्ट करना, रगड़ाई करना, जंग करना, रिएक्शन करना, न्यूट्रलाइजेशन करना। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होती रहेगी, हमारे कपड़े साफ होते रहेंगे। सोडा एश, उसके बाद है TSP, बेहतरीन सर्फेक्टेंट है। 5 के जी डालते हैं, ये डर्ट रिमूवर है, मिट्टी जो दस कचरा जो सब्जी वाला कपड़ों पे लगता है उसको रिमूव करता है। HTPP दोस्तों 3 के जी, TSP 5 के जी, HTPP 3 के जी, ये खारे पानी को कंट्रोल करता है, सर्फेक्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये है बेस का ग्रुप। और उसके बाद है मीठा सोडा, वीक बेस है, ये सुझाता है, फुलावट लेके आता है, और उस फुलावट की वजह से हमारे जो कपड़े मुंह से पसीने की बदबू ख़त्म करता है, वो साफ्ट ना रहे। आइए हम बेस को मिक्स करते हैं फैक्ट्री के मिक्सर में, फिर आते हैं हलवा बनाएंगे, किसका, एक्सिट ग्रुप का। जी जनाब, एक्सिट ग्रुप सल्फ्यूनिक एक्सिट, लफसा, लाइनिर अल्कलीज, बेंजीन, सल्फ्यूनिक एक्सिट, स्ट्रांग एक्सिट है, भरपूर H+ से भरा हुआ है, 96% H+ है, रिएक्ट करता है OH- के साथ। OH- कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बेस में, ये मिलेगा हाइड्रोफोबिक में, ये मिलेगा सोडा एश में। सोडा एश के साथ दोस्ती है सल्फिनिक एसिड की, खतरनाक दुश्मनी भी। जनाब जनाब याली, ये सल्फिनिक एसिड 7 केजी डालते हैं, बेहतरीन सर्फेक्टेंट है। जी दोस्तों, इस ग्रुप को कहीं मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमारी मजबूरी है कि कुछ जो केमिकल पानी में देर से गलते हैं या नहीं गलते, उसको मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हम इसमें मिक्स करते हैं SLS पाउडर, सल्फिनिक एसिड 7 किलो, SLS पाउडर 1 किलो, बेहतरीन सर्फेक्टेंट है, ये सिर्फ झाग बनाएगा, बेहतरीन हाइड्रोफिलिक से भरा हुआ है, पानी से इश्क करता है। दूसरा है शैम्पू बेस, ये भी बेहतरीन सर्फेक्टेंट है, ये भी सफाई के साथ नहीं करेगा, ये भी झाग बनाएगा। क्या है ये, सर्फेक्टेंट है, फोमिंग एजेंट है, 3 किलो, इसके मॉलिक्यूल्स पानी में देर से टूटते हैं, इस वजह से यहाँ हम इसको पेस्ट में डाला है। सोडियम सिलिकेट बेस का आइटम है,
सोडियम सिलिकेट सिंपली सिर्फ ऑयली करता है और जनाब अली सॉफ्टनेस लेकर आता है थोड़े पैमाने पे। सोडियम सिलिकेट हो, सोडियम मीठा सिलिकेट हो, छोटा सा फंक्शन है, सरफेक्टेंट नहीं है। और ये केमिकल बेचने वाले चीखते हैं मेटा सिलिकेट डालो, मेटा सिलिकेट डालो। उनकी तो ड्यूटी है तो केमिकल सेल हो जाए, वो नहीं देखते कि ये मैन्युफैक्चर तबाह हो जाएगा। इसके फंक्शन ही नहीं है, छोटा सा फंक्शन है, सॉफ्टनेस लेके आता है, ऑयली करता है, छोटा सा ऑयली करता है, सरफेक्टेंट इसमें नहीं है। ज़्यादा डालेंगे तो ये पत्थर का चूरा बन जाएगा, टेल कंपाउंडर के साथ, सोप स्टोन के साथ, नमक के साथ। सिर्फ 5 किलो में डालता हूँ 100 kg की लाट में। आइए अब एक्सेड और बैक्स को मिक्स करते हैं, फिर ड्रम के पास चलते हैं। टाइम भी दे रहा हूँ, यकीन करो। ये तीनों चीज़ों को हम मिलाते हैं। मैं कहता हूँ हलवा बन जाता है, क्रीम बन जाती है। यार हलवा खाने वाला नहीं, ये भी मैं बताता हूँ, गप्पे भी मारता हूँ आपके सामने। जब किसी की दिल में दर्द पैदा होता है ना, तो अलामिया इतनी आसानियाँ ज़िंदगी में पैदा करता है, तो मेरी वो चीज़ है। तो यार मैं इनका रात को मैं नींद नहीं आई। बच्चे ने क्यों कहा कि अंकिल वो तो हलवा क्या, वो तो घंटा बन गया है, उसको किस मशीन से मैं अलहदा करूँ, कोई मशीन आती है क्या? क्योंकि मैं मजाक तो नहीं कर रहा, किसी को संबंध में किनारे खड़ा करके धक्का तो मैं दे नहीं रहा। किसी दूसरी ऐसी रेसिपी पे जनाब अली तो मैं डिस्कस करना गुनाह समझता हूँ, किसी को तबाह करना मैं तो बेइंतहा गुनाह कबीरा समझता हूँ। तो यार मैंने कहा यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे समझाने का जो अंदाज सख्त है, या आपके सामने, ये आपके सामने चीज़ें मिस की नहीं। ये देखो कपड़ा शिफाफ होगा, पर हर चीज आपके सामने, कोई नहीं छुपा रहा। जनाब एक्सेड भी मिक्स हो गया, ये तुम्हें मतलब मसल से प्रोडक्शन में चल रही है ये रेसिपी जो मैंने अपलोड की थी लो कास्ट वाली। तो फिर क्या रहता है देर किस बात की, जनाब साहब भी बनाएगा आराम तो इतना भी वो नहीं है। 90% इंडिया और पाकिस्तान में दाना दाना खुश्क हो जाए, ड्राई पाउडर नहीं डालूंगा। अगर इसमें ड्राई पाउडर अभी डालूंगा, एक नाजुक एक नफीस कुदरत ने उसको बनाया है, उसको हम कलर दाना दे के उसको खुश रखने के लिए, अच्छी फील के लिए उसमें कलर दाना डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं। ठीक है, आइए जनाब उसके बाद आए गुलाबर साल्ट 15 किलो। नॉन सरफेक्टेंट है मगर क्लीनिंग में मदद करता है, सफाई में मदद करता है। 15 किलो साल्ट यहाँ खून के धब्बे मिटाने के लिए हम डालते हैं। डेड है, मुर्दार है, इतना जी भर के डालते हैं। नमक या जनाब अली पत्थर का चूरा या सोप स्टोन या टेलकम पाउडर, वो आपके पूरे अमल में रुकावट पैदा करता है, पूरे सिस्टम को जाम कर देता है। ये साल्ट हम सिर्फ 3 किलो डालते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कलर दाना, कलर दाना 4 किलो डालता हूँ, नॉन सरफेक्टेंट है। और उसके आता है खुशबू 1/2 किलो डालता हूँ, वो भी सरफेक्टेंट नहीं है। ठीक है जनाब पहले, उसके बाद हम डालते हैं नैनसा बेस पाउडर, दानेदार बनाता है, बेहतरीन सरफेक्टेंट है, बेहतरीन। 2 किलो नैनसा बेस पाउडर, एक्सालिक एक्सेड ब्लीचिंग एजेंट है, सरफेक्टेंट है। 2 किलो डालते हैं 100 kg की लाट में। आइए सबको 5 मिनट मिक्स करते हैं इस मिक्सर में। उसके बाद पैकिंग के मैनुअल भी सिस्टम देखेंगे, ऑटो का भी सिस्टम देखेंगे। आइए जनाब
मैनुअल पैकिंग है, टेबल हाथ से बनवाइए।